बाकी वही बात ना, घर में खाना कौन पकाता अंधेरे में, वही बात हो गई। कितनी पेट में आते थे यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे हम ना, ये शंभू की आंखें थोड़ी बड़ी हैं और मेरी सीमा की आंखें थोड़ी छोटी हैं, बस ये फर्क है। कोई बेइज्जती करे तो इतनी तगड़ी ना करे भाई। ठंडा हो। और दोस्तों इसी बीच में हो चुका है नाश्ता रेडी और आज नाश्ता पास्ता, जब बोल रही पास्ता पास्ता क्या बनाया ना, आज क्या बनाया नाश्ते में, मैगी नहीं बच्चा पास्ता, पास्ता जा खा लेते, वेरी गुड। बस दोस्तों एक बार फिर से आज के ब्लॉग की शुरुआत नाश्ते के साथ और इसी बीच में हो चुके हैं यहाँ पे झमाझम बारिश, आज हुई है बारिश, आज हुई है बारिश बहुत तेज, बारिश कल भी हुई थी परसों भी हुई थी लेकिन इतनी तेज नहीं हुई, आज बहुत तेज हुई, क्योंकि काले बादल भी नहीं थे, काले बादल नहीं थे और तेज बारिश होने के लिए काले बादल का होना बहुत जरूरी है, जब काले बादल होते तभी तो तेज नहीं होते, आज तो तेज नहीं, उम्मीद ही नहीं रहेगी इतनी बारिश होने वाली है, और काशी की छुट्टी किसने कराई, मैंने कराई, जो होता कहते चिंगले होता वाकई में, कल आपकी वही बात ना, घर में खाना कौन पकाता अंधेरे में, वही बात हो गई। शंभू चली स्कूल और शंभू हो गई रेडी स्कूल जाने के लिए, क्या बात है, क्या बात है, काशी शंभू स्कूल जा रहा है, उड़ान उड़ान आपके स्कूल जा रहा है, आपके स्कूल कहती मेरे स्कूल में सिर्फ मैं ही जाऊंगी, काशू फिर उसकी फोटो भी आएगी तेरे फोटो के बगल में, छप छप, नाश्ता कर लिया है दोस्तों और नाश्ता कर लेने के बाद अभी आप लोगों को चल रहा होगा मालूम, जो लोग हमारे वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं, हमारा ब्लॉग पहले से फॉलो कर रहे हैं तो उनको लग गया होगा मालूम कि अभी हम कहाँ पे आ रहे हैं, ये सीढ़ियाँ देखिए, ये चीजें, ये पीछे का देखिए, तो ये आ रखे हैं हम अपने पहले वाले घर में गिरधर एनक्लेव में और मैं आपको यहाँ पे सबसे मिलाता हूँ, तो अभी मैं आ रखा हूँ, मम्मी आ रखी है, सीमा आ रखी है, काशी और नन्नू आ रखे हैं और ये आ गए हमारे दोस्त आयुष और अंशिका, और यहाँ पे बच्चों तुम्हारा ना पूरा बचपन यहीं बीता है, हाँ और अब कैसे हो गए, अच्छा मेरे अच्छा हाँ, आयुष तुम पहले कितना खेलते थे ना काशी के नन्नू के साथ में, है ना, कितनी पेट में आते थे यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे हम नाश्ता भी करते थे, वीडियो बनाते थे, कितनी सारी हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम की टिकटॉक की कितनी सारी वीडियो बनाई, यहाँ पे हम रख लेते थे ड्रम, दो ड्रम रखते थे, फिर उसमें मोबाइल रखते थे और सामने खड़े होकर वीडियो बनाते थे, बहुत बनाई है वाकई में, कितनी बार तो भाभी भी हमको दे गई थी, कपड़े सुखाने आती थी भाभी, उस पर हम डिसाइड हो जाते थे बहुत सारा आती थी, तो फिर भी हम वीडियो बनाते थे, सही बात, नन्नू झाड़ू मारेंगे ना, है नन्नू और ये लिया है आयुष स्केटिंग, क्या बात है, जहाँ जाती है वह नन्नू को हाथ पकड़ के लाती है, अरे वाह, क्या भेज रहे हो कहाँ, भाभी आपको हमारी कुछ मत भेजो, बस 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 बस, पहले तो दीदी बोलती थी अभी आंटी बोल रही है, दीदी का बोला उसने मेरे बात पर, भाभी बोला होगा, भाभी हाँ, सीमा बोलती थी पहले, सीमा बोलती थी, यहाँ पे आके भी मजा अलग ही आता है, नहीं भाभी कोई बात नहीं, याद आ रही ना, ऐसे बैठ के हम यहाँ पे खाते थे खाना, याद आ रही है बर्थडे, जब भी बर्थडे होता था बच्चा का तो भाभी यहीं पे खिलाऊं, यहीं पे बैठ के यहीं पे खिलाते थे भाभी, अरे यहाँ से तुम दूर चल जाओगे तब तुम्हें नहीं आओगे वहाँ पे, भाभी कम से कम कभी तो, हम तो फिर भी आते लेकिन भाभी नहीं आती मिलने के लिए, मैं क्या बता, अब मैं बता नहीं सकती, इसकी बुआ से एक दिन बता दो, चलते हैं, अच्छा तो अभी दोस्तों हम अपने पहले वाले घर से आ गए हैं इस वाले घर में वापस और काफी अच्छा लगता है, जैसे बताया मैंने कि जब भी हम जाते हैं गिरधर एनक्लेव में अपने पहले वाले घर में तो इतना सुकून मिलता है,
इतना अच्छा लगता है क्योंकि काशी वहाँ हुई है, नन्नू वहाँ पे हुआ है और 5 साल रहे हैं उस वाले घर में हम, तो बहुत अच्छा लगता है जब भी हम उस वाले घर में जाते हैं। और आज हमारा जाने का मोटिव क्या था दोस्तों, मोटिव ये था कि जो सिलाई मशीन थी वो हमारी वहाँ पे चली गई थी जब हमने शिफ्ट किया था, मतलब जो हमारा जो पहले पूरा 5 BHK था जब वो सेल हो गया था, तो सेल होने के बाद हमारी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे चली गई थी, तो उसमें से सिलाई मशीन भी थी तो वो भी चली गई थी, तो अब वापस ले आए हैं उसको, तो स्कूटी से गए थे, स्कूटी में ही रख के लेकर आए हैं उसको वापस। बस दोस्तों टाइम हो गया है, दो बज गए हैं और खाना भी बन गया है, तो बस खाना पीना खाते हैं दोस्तों और उसके बाद करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। इवनिंग टाइम हो गया है और हम लोग आ चुके हैं इवनिंग वॉक करने के लिए अपनी कॉलोनी में, तो आज हम ले आए हैं शंभू को भी नीचे। ये शंभू, और जो शंभू ने टोपी पहनी काशी ने, अच्छा ये टोपी शंभू की है, इसलिए जो सेम जो है ना ये शंभू सेम लग रही है सीमा की तरह, पूरी डुप्लीकेट, पूरी डुप्लीकेट। बड़ी खुशी होती है जब भी वो सब बोलते हैं, मेरी तरह लग रही है। एक तुम पे क्या, एक तो मेरे पे होना चाहिए। हाँ वो तो है ही। ओए शंभा वो तो भी मजा आ रहा है यहाँ पे, पता है? हाँ। आज ही चलो घूमने चलते हैं। चलो। आजा। आजा। ओए। वो कह रहे मेरी, वो कह रहे मेरे फोटो खेल रहे, पोज में आ रही है वहाँ पे खड़े होके। आजा आजा, हो गया पोज, आजाओ आजाओ। आओ। चल बेटा चल। और ये आ चुकी है अब शंभू दादी की गोद में। हवा लगा दे मुंडी में, मुंडली में हवा लगा, हवा। छोटी सीमा, ओए छोटी सीमा बढ़िया, जब बिंदी लगाती तब से मेरी तरह। बस इसमें और सीमा में फर्क ये है कि शंभू की आंखें थोड़ी बड़ी हैं और मेरी सीमा की आंखें थोड़ी छोटी हैं, बस ये फर्क है। कोई बेइज्जती करे तो इतनी तगड़ी ना करे भाई, बाकी सब सेम है। नीचे से घूम फिर के आ गए हैं दोस्तों, काफी टाइम भी हो गया था, और यहाँ पे बन रहा है अब रात का खाना, और ये है आज रात के खाने में जो कि दिखाते हैं आपको पास से। तो आज बने हैं आलू बैगन और सबने खा लिया है, आसिफ भाई भी आ चुके खा के, कैसा लगा आलू बैगन? बढ़िया, तले हुए बैगन है, बड़े अच्छे लगते हैं, तो बस खाते हैं हम भी। बस में रायता खाए, मेरा फ्रिज में रखा हुआ, चल ठीक है। नन्नू क्या कर रहा है? नन्नू की है ट्रेन। चलिए फिर दोस्तों इसी के साथ में करते हैं आज का ब्लॉग एंड, और मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।